टू ऑल बर्ड्स एंड एनिमल व्लॉग्स। तो आज का जो व्लॉग है मैं मुर्गियों के बारे में बता रहा हूँ और उसका सेटअप दिखाऊंगा आपको, ब्रीडिंग प्रोसेस दिखाऊंगा और कैसे उनको हमने रखा हुआ है, कैसे उनको उनके अंडे आ रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाएँ ताकि हर नोटिफिकेशन पहुँचती रहे, और लाइक करें और शेयर भी करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर मेरी व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए मैं ये रखा हुआ, हमने एक सेटअप बनाया हुआ है, दो मुर्गियाँ एक मुर्गा है, और ये वाली जो ये वाली मुर्गी है ये हम ध्यान से लाए थे, और ये वाली हमारे घर का चूजा है, ये भी ये पूरा पेयर हमारे घर के हम पीछे मुर्गी लेकर आए थे। इनको हम खुराक में दे रहे हैं, ये रोटी वगैरह बाजरा देते हैं, खुराक हमने इनको अभी तक नहीं डाली। जो उनके अंडे वाली खुराक होती है, गोश्त वाली होती है, वो नहीं डालते हम। इन्होंने अंडा हमने दिया था, सुबह निकाल लिया। ये देखें, इनकी एज तकरीबन जो है ना एक साल है इनकी एज, और ये कुड़ुक भी हो चुके हैं और इनके बच्चे भी निकल चुके हैं। बच्चे हमने सेल कर दिए इसलिए आपको दिखा नहीं सकता। ये चीज़ है इनके, ही देखिए हमने ये इनका इतना बड़ा पिंजरा बना के दिया हुआ है इनको। ये देखें काफ़ी बड़ा, इसमें तकरीबन ना दस तकरीबन मुर्गियाँ थी इसमें, तो काफ़ी मर भी गई थी, हमने काफ़ी काट भी ली थी और सेल भी की। तो बाकी यही है, चलो आपको और दिखाता हूँ। एक कबूतर खुले में कुछ दो, ये बंद ही नहीं हो रहे, ये रे ये देखिए, ये देखिए, ये को जाके बैठ गया, एक यहीं बैठा होगा, दिखाता हूँ आपको। एक वो बैठा, ये बैठा, चला आपको मुर्गियाँ दिखाता हूँ मैं। ये देखा हमने, ये वाला नहीं पता ये क्या है, ये मुर्गा है मुर्गी है, वो दो पता है, वो मुर्गा है मुर्गी है। अगर आप लोग समझ आ रहे हैं तो बताइएगा क्या ये हैं क्या, और पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं पेयर। शेयर भी किएगा ज़्यादा, मैं आपको और इसकी वीडियोज़ बना के भेजता रहूँगा। इनका आपको सेटअप दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इतना बड़ा पिंजरा है इनका, और ये हमने बना दी। मोर भी यहीं रखे हुए हैं, देखें मोर भी ये रहे। तो मैं आपको और दिखाता हूँ जो हमने घर में चूज़ निकाले, मैं बताता हूँ कैसे हमने निकाले हैं। तो ये देखें, ये निकाले हुए हमने, ये मुर्गी हैं, ये जो चूज़ हमने निकाले हैं ना कबूतरों के नीचे निकाले हैं। आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे, इनको जब कबूतर दो अंडे दे दें ना पूरे, तो उनको उसमें रख दें, इसका एक अंडा रख दें मुर्गी का, 21 दिन बाद साथ वो भी निकलेगा। खोल के दिखाता हूँ, ये देखें, ये देखें एक चूज़ा निकला, और एक ये वही छोटा चूज़ा रह गया। ये 3-3 महीने के हैं, पर अजान देने लग गया, जो अजान कहते थे, बांध कहते, क्या क्या कहते थे। ये देखें, ये हमने घर में निकाले, वो भी कबूतरों के नीचे। अब अगर यकीन नहीं है तो मैं आपको फिर नेक्स्ट, अगर दोबारा मेरे कबूतर बैठा होगा, वीडियो दिखाऊंगा इनकी बना के, आप भी बिठा सकते हैं। ये देखें नीचे नीचे जा रहे हैं, ये आ गए, तो इनके साथ हमने खुमरियाँ रखी हुई हैं, खुमरियाँ ये बच्चा निकाला है उन्होंने। आपको इनके और भी अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये बनाया हुआ है इनका सेटअप, ये देखिए, ये भी इधर एक, इधर भी एक सेटअप है, और ऊपर एक ये कबूतर बैठा, और कब बैठा ये फिर उड़ा दिए इन्होंने। देखो ये बैठा नज़र आ रहा है, देखता हूँ मैं, ये नज़र आ रहा है, ये रहा, ये देखें ये रहा, दिखा। कमेंट करके बताएगा कैसा लग रहा सारा वीडियो। ये कौवे भी दरी हैं, उड़े हैं, ये देखिए, ये क्या तंग हो रहे हैं इनको, वरना बंद करने लगा था, कौवे आके सारों ने उड़ा दिया इनको। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का व्लॉग, और ये भी बताइएगा कि कैसे मेरे पेयर थे। 3 दिन का सेट मैंने बनाया हुआ है, तो मुझे बताइएगा किस तरह मैंने सही बनाया, उनकी क्या ब्रीड चल रही है, और कैसे कैसे मैंने सही रखा है। तो ऐसे ही जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें, और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आती रहे। तो अच्छा, अल्लाह हाफिज़।